जी हाँ दर्शकों, नमस्कार। खबर यूपी तक में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के औरैया से, जहां पर कानपुर आईजी मोहित अग्रवाल को जान से मारने की धमकी मामले में आरोपी गिरफ्तार। जनपद कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है आरोपी। आरोपी सचिन वर्मा ने राहुल सोनी को फंसाने के लिए बिकरूगंज के आरोपी विकास दुबे के नाम से बनाया था फेसबुक अकाउंट से आईजी को मारने पर 5 लाख का रखा था इनाम। आईजी को मारने के लिए असलाह भी मुहैया कराने का किया था ऐलान। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से कई तमंचे कारतूस बरामद। ये आपको बता दूं, ये इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है। और या फेसबुक पे कुछ पोस्ट वायरल हुए थे, उन वायरल पोस्ट में एक व्यक्ति का नाम आया था जिसका नाम राहुल सोनी था और वो अजंता थाना क्षेत्र का रहने वाला था। और उस जो फेसबुक पे पोस्ट किए गए थे उसमें कुछ असला लिए हुए उसकी फोटो थी और कुछ धमकियां भी उसमें दी गई थी, जिसमें पुलिस विभाग के कुछ उच्च अधिकारियों के बारे में भी धमकी भरे मैसेज उसमें डाले गए थे। इसी की जांच पड़ताल हमारी जनपदीय एसओजी टीम, साइबर सेल टीम और जो स्थानीय पुलिस है हल्दा की, उसके द्वारा की जा रही थी। और जब वो जांच की जा रही थी उसके दौरान राहुल सोनी नाम के युवक से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके द्वारा ये काम नहीं किया गया है, परंतु ऐसा एक व्यक्ति है जिसका उससे पुराना रिश्ता रहा है और उसकी परिवार की ही एक महिला से पहले अभियुक्त के संबंध थे और उसका विरोध करने पर वो उसको जाकर मुकाता भी था। और हो सकता है कि उसने इस तरीके का काम बदला लेने के लिए विरोध क्योंकि किया गया था रिलेशनशिप का, इसलिए किया हो। इस संबंध में जब पीड़िता से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि लंबे समय से ये व्यक्ति जो अभियुक्त है वो इसका शोषण कर रहा था और इसकी बहुत सारी फोटोज और वीडियोज भी इसके पास थी जो ये वायरल करने की अपने आप को इसको धमकी भी देता था। इस संबंध में पीड़िता द्वारा से बताया गया क्योंकि ये बहुत डरी हुई थी और अभी तक वीडियो वायरल होने खतरे से बात नहीं कर पा रही थी, परंतु पुलिस के मैटर संज्ञान में आने पे इसको पहले भी एक बार मुकदमा इस पंजीकृत किया गया था जब 5,506 की एक एफआईआर की गई थी। और उसके बाद पीड़िता ने एक लिखित तहरीर दी कि उसके द्वारा उसका शोषण लगातार किया जा रहा है और उसके 376 आईपीसी का मुकदमा थाना चुनाव में पंजीकृत किया गया था। इसके साथ ही साथ जब अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई तो गिरफ्तारी के दौरान ये पता चला कि इसके पास बहुत सारा असला है और कारतूस भी हैं और इसके साथ ही इसके पास दो थानों की मुहर भी बरामद हुई है और एक फर्जी 2012 का लाइसेंस भी प्राप्त हुआ है जिसमें अग्रिम विवेचना हमारे द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये पूर्व में भी गैंगस्टर एक्ट का मुलजिम था, सिकंदरा कानपुर देहात से रह चुका है और अवैध शराब के निर्माण का भी एक मुकदमा इसके ऊपर पहले से पंजीकृत है। ये छात्र किस्म का अपराधी है, इसका नाम सचिन वर्मा है और ये बहुत हाईटेक यूज करता है फोन में, अपने फोन में कई जगह इसने लॉक्ड पासवर्ड्स कीज के साथ ऐसा कुछ बताया इसने कि इस तरीके का भी डॉक्यूमेंट इसने रखा हुआ है जिसकी फॉरेंसिक जांच हमारे द्वारा की जाएगी तो पता चलेगी और क्या एविडेंस है। और अभी इसको जो 376 आईपीसी का जो ये मुंजिम है उसके लिए इसको न्यायिक